वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज मैं आया हूँ एक और वीडियो लेके आपके लिए, एक CLG 836 की जो एक बेसिकली 3 टन का लोडर है लिगांव का। तो अभी मैं इसकी कमीशनिंग के लिए हूँ यहाँ गुड़गांव में। एक नया लोडर दिया हमने, देव RMC के नाम से एक प्लांट है यहाँ पे, तो अभी वो टेस्टिंग पे है, कमीशनिंग चल रही है इसकी। मैं आपको उसकी कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता दूँ, 3 टन की कैटेगरी में हमारी ऐसी मशीन है जो सबसे ज़्यादा बिकती है यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। ये 3 टन की कैटेगरी में आता है ये लोडर, और इसका मॉडल नेम है लिगांव CLG 836। एट डिनोट्स द सीरीज ऑफ लोडर एंड 3.6 इसकी कैपेसिटी है। BS3 कंप्लायंट इंजन है, और ये हमारे कैबिन के लेफ्ट साइड में आ गया इसका हाइड्रोलिक टैंक इसका 130 लीटर का है। और ये आ गया मशीन का सीरियल नंबर प्लेट, और ये आ गए इसके स्टीयरिंग सिलेंडर, ये आगे वाली पावर ट्रेन के लिए आगे इसकी प्रोपेलर शाफ्ट, ये ट्रांसमिशन से आगे के लिए जा रही है आगे वाले डिफरेंशियल में बीच में, क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव होते हैं 4x4। और ये आपका आ गया ये मैट्रिक पंप, जो मैंने लास्ट टाइम भी वीडियोस में 856 की वीडियो में डिटेल में बताया था कि मैट्रिक पंप का क्या काम कर रहता है, ये ट्रांसमिशन और ये हाइड्रोलिक पंप अंदर से इसके। और ये हाइड्रोलिक टैंक का ब्रीदर, अगर आपको ट्रैप्ड एयर निकालनी हो हाइड्रोलिक टैंक से तो इसको जस्ट यहाँ से लूज़ करके इसको ये प्रेस, ये सर्विस के टाइम अगर कुछ हाइड्रोलिक की सर्विस कर रहे हो या हाइड्रोलिक में कुछ सिस्टम में कुछ चेंजेस कर रहे हो तो उस टाइम के लिए मैंडेटरी होता है ये। और ये आगे इसके व्हील हब जिनमें इसमें प्लेनेटरी गियर असेंबली रहती है। जब इसकी सर्विस होगी, एक्सल सर्विस होगी, तो 2.5 लीटर एक्सल ऑयल हब में डलता है, ईच हब में 2.5 लीटर एक्सल ऑयल डलेगा। और बीच में जो डिफरेंशियल है उनमें 15-15 लीटर एक्सल ऑयल डलेगा, तो एक 20 लीटर आगे के एक्सल के लिए यूज़ होगा और 20 लीटर पीछे के एक्सल के लिए यूज़ होगा एक्सल की सर्विस के लिए। और इंजन ऑयल इसमें 14 से 16 लीटर के बीच आता है। इंजन है इसका विचाई WP6 EGR वाल्व के साथ, और कुछ ऐसा दिखता है। और अगर कैबिन के राइट साइड में आ जाएं तो राइट साइड में हमें मिलता है एयर टैंक, जिसमें कि हम एयर स्टोर करता है ये। और ये आ गया इसका ट्रांसमिशन ऑयल डालने की जगह, यहाँ से ट्रांसमिशन ऑयल डाला जाएगा। ये ट्रांसमिशन है, ये पूरा ट्रांसमिशन ऊपर से नीचे तक। ये आगे इसके सेंटर पिन, ये अपर सेंटर पिन और ये लोअर सेंटर पिन। और ये सेंटर पिन और हर एक कंपोनेंट की ग्रीसिंग के लिए निप्पल दे रखे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ग्रीस निप्पल। ये प्रोपेलर शाफ्ट के लिए दे रखे हैं, ये जो दिख रहे हैं दो। और यहाँ है सेफ्टी प्रिकॉशन, ये आर्टिकुलेशन के बीच में, ताकि यहाँ पे कोई खड़ा ना हो जब मशीन वर्किंग पे हो। तो कुछ ऐसा दिखता है 836 व्हील लोडर बाहर से। ये लोडर के राइट साइड में मेंटेनेंस एंड ल्यूब्रिकेशन चार्ट, यहाँ पे ऑपरेटर वगैरह देख सकते हैं कि इसकी मेंटेनेंस और ल्यूब्रिकेशन कैसे करनी है, कितने आवर्स पे क्या क्या चेक करना है, ये सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। सो ये इंजन की राइट साइड है, कैबिन की राइट साइड। ये सामने आ गया हमारा AC कंप्रेसर, ये आ गया अल्टरनेटर, और ये आ गया ऊपर EGR वाल्व, ये साइलेंसर असेंबली और एग्जॉस्ट की। और आ गया हमारा इंजन का कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर, और वहाँ पे आ गया सेल्फ स्टार्टर मोटर। और यहाँ हमें मिल जाता है ये इंजन सीरियल नंबर, आप देख सकते हैं ये प्लेट, वहाँ पे इंजन सीरियल नंबर मिल जाएगा उस प्लेट पे। और ये अपना रेडिएटर फ़ैन, और ये फ़ैन बेल्ट, रेडिएटर फ़ैन की बेल्ट, और ये AC बेल्ट। और ये लोडर के बैक एंड पे देखें तो रियर व्यू में ये बैकअप हॉर्न अलार्म ये वाला, और इसमें डीजल डालना हो तो डीजल के लिए, फ्यूल के लिए ये जो ग्रिल दिख रही है आपको, ग्रिल के अंदर दिख रहा है ये, वहाँ से हम डीजल भरते हैं। और वहाँ पे गेज भी है, और ये रेडिएटर है, रेडिएटर के साथ ही इसका चार्ज आफ्टर कूलर लगा हुआ है। और ऑपरेटर कैबिन की लेफ्ट साइड में देखें तो लेफ्ट साइड के इंजन हुड में ये अपना मिल जाता है लॉन्ग बेंच का FIP फ्यूल इंजेक्शन पम्प, ये फीड पम्प, ये इंजन ऑयल डालने की जगह यहाँ से। और इंजन ऑयल गेज जो है इसका, इंजन ऑयल चेक करने के लिए वो दूसरी साइड था, जो AC कंप्रेसर बताया मैंने उसके बगल में ही। यह गया फ्यूल वाटर सेपरेटर,
ये दो छोटे छोटे फिल्टर सामने हैं, ये फ्यूल फिल्टर, और उनके बगल में जो ब्लू कलर की असेंबली है इसके अंदर रहता है हमारा इंजन ऑयल फिल्टर और एसी गैस रिसीवर। ये इसके अलावा ये हमारा एयर फिल्टर का इंडिकेटर, चोक इंडिकेटर, अगर एयर फिल्टर चोक हो जाए तो यहाँ से हम देख सकते हैं। ये एयर फिल्टर असेंबली, ये बैटरी का कटआउट स्विच, ये यहाँ पे। तो ये हो गया इसका बाहर से ओवरव्यू। ये यहाँ पे एलईडी लाइट्स, ऊपर डोम लाइट्स दे रखे हैं, दो आगे हैं दो पीछे हैं। ये प्री क्लीनर, एयर प्री क्लीनर, और ये साइलेंसर। तो ये इसके एक्सटीरियर का ओवरव्यू हो गया, अब मैं आपको इसके इंटीरियर का ओवरव्यू दे देता हूँ फटाफट से। तो जब ये मशीन आई थी इसके साथ आई है एक टूल किट ल्यूओंग की कैबिन में। ये यहाँ पे इसके एसी के कंट्रोल्स, ये स्पीड, और ये कूलिंग सेट करने के लिए हाई लो, इसकी हैंड ब्रेक, और ये इसका इंजन किल स्विच कह सकते हैं इसको, इंजन बंद करने के लिए इसको पुल करके रखें, इंजन बंद हो जाएगा। और ये हमारी सीट, ऑपरेटर सीट, ये आ गया रेड कलर में जो पैडल है, ये ब्रेक पैडल, यहाँ पे ये स्टीयरिंग, और ये राइट साइड में नीचे जो पैडल है ये एक्सीलेटर पैडल, ये इसका स्पीडोमीटर। और अब इसमें कुछ कंट्रोल्स बताता हूँ आपको, इसके गेजेस, ये फ्यूल लेवल गेज है, डीजल कितना है इसमें, और ये आ गया हमारा इंजन ऑयल टेम्परेचर, ठीक है, और ये आवर्स मीटर, कितने घंटे मशीन चली है, और ये एयर प्रेशर, कितने मेगा पास्कल का एयर प्रेशर है इसमें अभी, और ये आ गया हमारा ट्रांसमिशन ऑयल टेम्परेचर गेज। इसके अलावा जो कुछ इंडिकेटर्स हैं, ये इंडिकेटर आ जाते हैं हमारी बैटरी, बैटरी का इंडिकेटर, और इंजन ऑयल टेम्परेचर और ट्रांसमिशन ऑयल टेम्परेचर। यहाँ पे इंटीरियर में फ़ैन मिल जाता है, कैबिन लाइट, रियर व्यू मिरर, और ये आ गया हमारा ये गियर सिलेक्टर, क्योंकि इसमें तीन गियर हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये एक रिवर्स, ये रिवर्स, ये न्यूट्रल, ये फर्स्ट, और ये उठा के थोड़ा सा सेकंड। ये फॉरवर्ड में दो गियर हैं इसमें, और एक रिवर्स में है और एक न्यूट्रल है, तीन गियर है इसमें। ये भी सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ल्यूओंग का। राइट साइड में ये हमारा आ गया पायलट लीवर, और पायलट लीवर के कंट्रोल्स भी यहाँ दे रखे हैं, बकेट ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए, बूम उठाने के लिए और डाउन करने के लिए, कैसे कैसे, क्योंकि पायलट लीवर के कंट्रोल सेम ही है, जो मैंने 856H की वीडियो डाली थी 5 टन के लोडर की, उसमें भी सेम ही है। ये इस साइड आ गए हमारे ये हॉर्स और वाइपर के कंट्रोल्स, यहाँ से ये इंडिकेटर के ये वाइपर के, और ये हॉर्न, और ये हाई बीम और लो बीम। यहाँ स्टेरिंग के राइट साइड में आ गई हमारी लाइट्स, लाइट्स के कंट्रोल, ये हमारी हज़ार लाइट्स, और ये डोम लाइट्स एलईडी, ये पीछे वाली एलईडी के लिए, आगे वाली एलईडी के लिए, और ये पार्किंग और मेन हेडलाइट। और यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे अगरबत्तियाँ रखी हैं, और ये बॉटल होल्डर भी मिल जाता है यहाँ पे बॉटल डालने के लिए। साथ में ये फायर एक्सटिंग्विशर, और ये एडजस्टेबल विंडो, यहाँ से विंडो आप स्लाइड करके हम डाउन कर सकते हैं। और अंदर से कुछ ऐसा व्यू आता है, फ्रंट का ये व्यू है पूरी बकेट, और यहाँ तक कि आप टायर्स तक के टायर भी देख सकते हो, और ये साइड मिरर्स, और भी हम, और मतलब व्यू काफ़ी अच्छा है अंदर से, अगर अंदर से ऑपरेटर देखे तो, मतलब मैक्सिमम ग्लास ही लगा हुआ है पूरी मशीन में, सिर्फ ये जो ए पिलर और बी पिलर हैं यहाँ पे, ये बस डोर्स लगे हुए हैं, और इसके अलावा अगर रिवर्स में देखें तो रिवर्स में भी ग्लास लगा हुआ है, साइड में भी और बैक में भी, मतलब व्यू इसका काफ़ी अच्छा है, वाइड एंगल है आगे का भी और पीछे का भी। और एक पीछे इसमें छोटी सी जगह जहाँ पे जाली सी दिख रही है कुछ सामान डालने के लिए। और ये जो ऑपरेटर सीट है ये भी हमारी 3 स्टेज एडजस्टेबल है, यहाँ से इस लीवर से हम आगे से इसको यूं टिल्ट कर सकते हैं, और ये पीछे से टिल्ट करने के लिए, और ये आगे रिक्लाइन करने के लिए पीछे, और साथ में आर्म रेस्ट भी दे रखे हैं, ये राइट साइड का आर्म रेस्ट और ये लेफ्ट साइड का आर्म रेस्ट हो गया, और यहाँ से ये सीट को आगे पीछे स्लाइड करने के लिए,
ये वाली लीवर से यहाँ से आगे पीछे स्लाइड करने के लिए, और ये नीचे आगे एसी के वेंट्स जो दिख रहे हैं, इस साइड एसी के कंट्रोल्स। तो ये जो मैंने आपको बताई थी, ये साइड में जो चोक है इंजन बंद करने के लिए, इसको पुल करके रखेंगे इंजन ऑफ हो जाएगा। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू ओवरव्यू मेरा एक 836 के बारे में, जो 3 टन का लोडर है हमारा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, कमेंट जरूर करना वीडियो को, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। सो ओके, थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।